जो टेस्ला है उसके उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले मैं हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। जो आप आंखें दिखाते हैं इसका हमें आंखें दिखाएं आपके, वो जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, उनसे कंपीट करें। 2020-30 में जो है वो टोटली वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन 80% मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पे, हम वहीं पे है, प्राइस रेज हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है मैन्युफैक्चरिंग है एक तो वहां पे पहुंच रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और सब टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पे टेस्ला ने वाज गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग वट एवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भाग कर वहां से चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सरपुल से आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है, लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं कह द टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर द कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद फॉर योर गेन इन इंग्लैंड एंड दुबई, व्हेन दे विल गेट अप। हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी, अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है, उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में उनके या टोरंटो में या अमेरिका के अंदर, दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है, डॉलर और पाउंड की प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं उनकी, बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं, बस दुख वाली बात यह है। हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी बनने की, कोशिश करें पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखे हमें, हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब, मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चेंज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटाचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया, तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर वन माइक्रोचिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं, और वो ताइवानीज बिजनेसमैन दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है, लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैं आप हमेशा कहता हूं कि मैं, मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, उन्हीं टेस्ला की बातें कर रहे हैं, टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद, हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर, वो कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है, आए जिहाद करें, अमन बिन मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं भारत आपका अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, अफसोस के साथ। अफगानिस्तान भी अब आपसे निकलता आगे जा रहा है और वो परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। टेस्ला भारत में अपनी कार बनाएगी या नहीं, इसके लिए लंबे समय से कंपनी और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है।
भारत सरकार का ये कहना है कि टेस्ला भारत में आए लेकिन वो अपनी कारें भारत में ही मैन्युफैक्चर करे। टेस्ला की भारत में आने को लेकर इस समय बहुत डिस्कशन हो रहा है। इसका कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला ने भारत सरकार से संपर्क किया है। टेस्ला की अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ कंपोनेंट की पॉसिबल लोकल सोर्सिंग और इंसेंटिव पर चर्चा की है, लेकिन देश में मैन्युफैक्चरिंग के प्रस्ताव पर अधिक तवज्जो नहीं दी। कंपनी ने भारत में प्लांट खोलने के वादे की बातचीत को बंद कर दिया है। पिछले साल भारत सरकार ने स्थानीय रूप से निर्मित कारों को बेचने पर जोर दिया था। इसके बाद टेस्ला और भारत के बीच बातचीत रुक गई थी, जबकि टेस्ला की डिमांड को चेक करने के लिए पहले कम टैक्स दरों पर कारों को इंपोर्ट करना चाहती थी और भारत नहीं चाहता था कि टेस्ला अपने शंघाई की फैक्ट्री से देश में कार लाकर बेचे। आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगी कार की, ये वीडियो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लगी। ये तो मर्सिडीज है, ये मर्सिडीज EQS है, न्यू लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिक कार है, फुल 1.5 करोड़ की है। 1.5 करोड़ की ये कार? ये अमेरिका में तो नहीं बनी, तो इंडिया में बनी है। इंडिया में बन गई है जी, मेड इन इंडिया है ये। कैसे इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर गया? इंडिया ने तो बहुत तरक्की कर ली। ये आपको पता है इसकी प्राइस सिर्फ 1.5 करोड़ है और फुल इलेक्ट्रिक कार है। बस 1.5 करोड़ जी यार, ये अगर इंडिया की है ना तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी ना पाकिस्तान में, हम अपनी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार, 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई, इंडिया वालों तुम लोग क्या चाहते हो। लेकिन यार ये मैं अप्रिशिएट तो लाजमी करूंगा ये इस डेवलपमेंट को, और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है। ये भी नहीं कि इंडिया ने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके कुछ पूछ नहीं, स्पेयर पार्ट बाइट से लिया भाई जान, सब कुछ यहाँ पे यार, बड़ी बात है यार। अच्छा, एक दफा चार्ज करने पे ये 850 किलोमीटर, यानी कि ये इस्लामाबाद से होकर वापस हमारे लाहौर तक आ सकती है, ऐसे ही है, जाकर वापस भी आ सकती है। जबरदस्त है, कहाँ लॉन्च हुई है ये तो आप बताए ना, कहाँ पे लगती है आपको? मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका में हुई है कहीं, अमेरिका में यार, और कोई नहीं बना सकता ऐसी कार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये देखे ना, एक इलेक्ट्रिक है, ऊपर से ये देखे कितने ज्यादा किलोमीटर, ऐसे की कोई कार है ही नहीं, देखी भी नहीं। ये इंडिया ने बनाई है क्या? हाँ। इंडिया ने? हाँ। ना करो यार, इंडिया ने बनाई है यार, मतलब इंडिया छा गया फिर। हाँ, इंडिया छा गया, मेड इन इंडिया। ये देखो ना कितनी प्यारी है, इसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़ में, और इलेक्ट्रिक और 850 किलोमीटर, मतलब कमाल कर गई यार, इंडिया तो हमसे फिर आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। नहीं यार, जबरदस्त, और मैं वाकई में शॉक्ड हो गई हूँ ये सुन के कि यार ये इंडिया ने बनाई है। मुझे वैसे यकीन नहीं था, मुझे लगा कि अमेरिका या दुबई वगैरह में निकली होगी, लेकिन इंडिया ने ये तारीफ करवाई है तो फिर तो जबरदस्त है। अंग्रेजों के मुल्क में होगी, पाकिस्तान में तो ये देख लें, यूके या यूएसए में हो सकती है। अच्छा, अमेरिका, यूके या यूएसए में, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इंडिया में है। इंडिया में, इंडिया तरक्की कर रहा है।